तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको जैसा हमने वादा किया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या खास रहने वाला विशेष रहने वाला है वो आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। बजट सत्र को लेकर लखनऊ में आज सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा स्पीकर ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे सर्वदलीय बैठक विधानसभा भवन में ही होगी और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे विधानसभा स्पीकर ने विधानसभा में ये मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है, कार्य मंत्रणा समिति। और बजट सत्र से पहले आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी होगी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 6 बजे लोकभवन में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है। बजट सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर इसमें चर्चा होगी। 18 फरवरी से 10 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। इससे पहले बीएसपी विधानमंडल दल की आज बैठक होगी। सदन में किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है उसकी रणनीति बनेगी। सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होगी। वाराणसी ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद की याचिका पर आज फिर सुनवाई। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। मंदिर पक्ष का आरोप है कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद का स्वरूप दिया गया। और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर आज सुनवाई। गिरफ्तारी पर लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। सरकार को जातिवादी कहने के आपराधिक मामले में गैर हाजिर चल रहे थे संजय। 12 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में सांसद संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज। यूपी के बाद उत्तराखंड की अबारी, यहां देहरादून में सीएम रावत की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय में नैनीताल और अल्मोड़ा की जिलों की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में हुई घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी बैठक से जुड़ेंगे। 10 बजे ये बैठक शुरू होगी सचिवालय में। देहरादून सचिवालय शाम 4 बजे त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक भी होनी है। शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक भी है जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और उनके पास होने की संभावना भी है। कैबिनेट बैठक में बजट सत्र को लेकर फैसले हो सकते हैं। बजट सत्र में राज्यपाल अभिभाषण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा तपोवन आपदा में लापता हुए लोगों की खोजबीन लगातार जारी है। गढ़वाल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल लगातार रेस्क्यू का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे, मॉनिटर कर रहे हैं। अब तक 58 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं जबकि 164 लोग अभी मिला।